पहरुए सावधान रहना। श्री गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित प्रस्तुत कविता भारत देश की स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रथम रात्रि के समय देश के हर नागरिक को दिए गए संदेश को अभिव्यक्त करती है। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। कवि देशवासियों को पहरेदार की तरह सतर्क रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि आज हमारी विजय की पहली रात है और अब से इस देश की हर प्रकार की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। जिस प्रकार दिया बिना विचलित हुए अपनी रोशनी से अंधकार को दूर भगाता है, उसी प्रकार हमें भी इस देश पर आने वाली हर विपत्ति को दूर भगाना है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता जिसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस नए स्वर्ग का पहला ही चरण है। यह स्वतंत्रता सभी लोगों के सामूहिक संघर्ष से मिला पहला रत्न ही है। अभी तो हमें बहुत प्रयत्न करके ऐसे लक्ष्य रूपी कई रत्न प्राप्त करने हैं और खुशियों की माला पिरोनी है, क्योंकि अभी भी इस देश का जन साधारण गुलामी के वक्त हुए दुख, अपमान और इस देश की संपत्ति को हुए नुकसान को नहीं भूला है। ले युग की पतवार, बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। आजादी के बाद देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसकी बागडोर अब हमारे हाथ में ही है। हमें अपने मन में समुद्र के समान गहराई और विशालता रखते हुए सतर्क रहना चाहिए। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। आज हमने बड़ी ही कठिनाइयां झेलने के बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है और हमारे देश की सीमा हर ओर से आजाद है। परंतु ध्यान रहे, इस विश्व में हर ओर से तूफान की तेजी से बंदी बनाने वाली हवाएं चल रही हैं, अर्थात कई देशों से आक्रमण का खतरा है। कवि कहते हैं, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारे विस्तृत जनसमूह को जाति, धर्म, भाषा जैसे कई तत्वों द्वारा विभिन्न छोटी छोटी सीमाओं में बांट दिया है, जो हमारी प्रगति में जटिल प्रश्न के रूप में आ खड़ी हुई है। आज ब्रिटिश राज का सिंहासन नष्ट हो रहा है, लोगों में आक्रोश का तूफान है, जो ध्यान न देने पर आपस में ही हिंसा भड़का सकता है। जिस प्रकार चांद की रोशनी पथिक को अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार हे पहरुए, तुम्हें भी सबको रास्ता दिखाना है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है।
कवि कहते हैं कि हमें आजादी तो मिल गई है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। इसलिए मशाल ऊंची करो, अर्थात सतर्कता बढ़ाओ। शत्रु सामने से तो चला गया, परंतु वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की उन्नति में बाधक बन सकता है। इतने सालों की गुलामी में हुए शोषण से हमारा जन समूह मानसिक, सामाजिक, वित्तीय हर प्रकार से कमजोर हो गया है, परंतु यह विश्वास कि हमारे जीवन की नई शुरुआत हो गई है, हमारे मनोबल को मजबूती देता है। जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरुए सावधान रहना। एक बढ़ती हुई लहर की तरह हमें एक साथ होकर सावधानी से आगे बढ़ते रहना है।